हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने लेसन नंबर 11 रबड़ की कहानी पढ़ा था, ठीक है, पार्ट 11 रबड़ की कहानी पढ़ा था। आज की वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स एंड बैक एक्सरसाइज करेंगे। पहला क्वेश्चन है, रबड़ के पेड़ से दूध कैसे निकालते हैं? रबड़ के पेड़ से दूध कैसे निकाल लिखना था हमने। तो आंसर है इसका, पेड़ के तने में छेद करके नीचे टीन की बाल्टी लटका दी जाती है, उसमें दूध इकट्ठा होता रहता है। जैसे आप सभी को पता है ना कि जो रबड़ है, रबड़ से बहुत सारी चीजें बनती है, जैसे गेंद हो गया, रबड़ के जूते हो गया, आप जो पेंसिल से लिखते हैं अगर गलत लिखा जाता तो मिटाने वाली रबड़ हो गई, ठीक है। किससे बनती है? रबड़ से। रबड़ कोई पेड़ के फल से नहीं मिलती, पेड़ के एक पेड़ जो रबड़ का पेड़ है उसका जो तना होता है, जैसे ये वाला पार्ट, तने में क्या कर दिया जाता है, टीन की बाल्टी लमका दी जाती है, उसमें छेद कर दिया जाता है, पेड़ को बीच में सुराख कर दिया जाता है, उसमें से दूध टपकता रहता है और नीचे बाल्टी लमका दी जाती है, वो बाल्टी में इकट्ठा होता रहता है। तो दूध कैसे निकलता है? इस प्रोसेस से, ठीक है। आगे है, दूध से रबड़ कैसे बनता है? ठीक है, जो दूध निकलता है उससे रबड़ बनाई जाती है, वो कैसे बनता है? आगे क्वेश्चन है, सेकंड का आंसर है, पहले दूध में पानी डालकर उबालते हैं, फिर मशीनों के द्वारा उसे सुखा लेते हैं, ठीक है। पहले पानी डालकर जो दूध निकालते हैं वो पेड़ से, उसमें पानी डालकर उसको अच्छे से उबाल लेते हैं, फिर उसको मशीन से, उसमें क्या होता है, उबालने के बाद जो रबड़ होती है वो नीचे बैठ जाती है, फिर उसको सुखा लेते हैं और कारखानों में उससे इच्छा अनुसार जो भी उसका कारखाना जिसका भी होगा, जैसे जूते का है तो जूते बनाएंगे, ठीक है, जो भी गेंद की कारखाना है तो गेंद बनाएंगे, उससे इच्छा अनुसार वस्तुएं बनाई जाती है, ठीक है। अगला है, रबड़ की वस्तुओं में हमें क्या क्या लाभ मिलता है? ठीक है, उसकी वस्तुओं से हमें क्या क्या लाभ मिलता है, रबड़ की वस्तुओं से, ठीक है। रबड़ की वस्तुओं से हमें क्या क्या लाभ मिलता है वो नीचे है। रबड़ की वस्तुओं, ठीक है, जो रबड़ से बनी हुई वस्तुओं उसका क्या लाभ है, ठीक है, जो चीजें बनती है उनका पूछा है क्या लाभ है। रबड़ की वस्तुओं पर पानी का कोई असर नहीं होता, ठीक है, इसके पानी का कोई असर नहीं होता, इसलिए क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं बरसातों के दिनों में जो रबड़ के जूते पहन लेते हैं, बरसाती ले लेते हैं, ठीक है, इससे हवा नहीं निकलती, और क्या होता है, इसमें हवा से, इसके हवा भी नहीं निकलती। थर्ड है, इससे बिजली के झटके नहीं लेते, अगर बिजली के तारों में इसका यूज किया जाता है रबड़ का, तो जो बिजली के झटके हैं, करंट है, वो नहीं लगता। अगला है क्वेश्चन, रबड़ के किन्हीं तीन गुणों के बारे में लिखो। तीन गुण लिखने हैं, वैसे ये भी सही है, ऐसे भी आप लिख सकते हो, इसके हम द्वारा भी लिख देते हैं, तीन गुण पूछे थे हमें, लिख दिया, ये लचीला, हल्का और सिकुड़ने वाला पदार्थ है। लचीला है, हल्का है, उस ऊपर सिकुड़ने वाला पदार्थ है, इस पर पानी का कोई असर नहीं होता। ये लाभ पूछे, ये गुण लिखे हैं, ठीक है ना, ये सेम ही होते हैं, लाभ अगर इसमें ये गुण होंगे तभी वो लाभ मिलेंगे, ठीक है ना, इस पर पानी का कोई असर नहीं होता, इससे हवा नहीं निकलती, ठीक है। तो ये आंसर, दोनों आंसर सेम हो गए हैं आपके। आगे है, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ, ठीक है, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। नंबर वन, रवि की गेंद किस चीज से बनी थी? रवि की गेंद किस चीज की बनी थी, प्लास्टिक की, रबड़ की या कपड़े की? किसकी थी? रबड़ की। आगे है, प्रतिदिन रबड़ के पेड़ से कितना दूध निकलता है? एक किलो, दो तीन किलो या चार पांच किलो? तो देखो, पीछे लेसन में हमने पढ़ा था ना, दिन भर में एक पेड़ से लगभग दो तीन किलो दूध निकलता है, तो आंसर क्या है इसका, दो तीन किलो। रबड़ कैसा पदार्थ है? हल्का, फैलने वाला या कठोर? कैसा पदार्थ है? हल्का। आगे है भाषा परक वन, नंबर वन, रेखांकित शब्द के सही अर्थ पर निशान लगाओ। जिसे अंडरलाइन किया गया है, जिसमें नीचे रेखा लगाई गई है शब्द के, उसका सही अर्थ पर हमने निशान लगाना है। जैसे गुब्बारे सा फूल उठा,
फूल उठा, फूल को पुष्प भी बोलते हैं ना, पर इसमें हमने फूल की बात नहीं करनी, इसमें क्या किया है फूलना, गुब्बारा जैसे फूला होता है वैसे ही वो खुशी से फूल गया था, ठीक है। रबड़ बड़ा उपयोगी पदार्थ है, बड़ा मतलब ऊंचा वाला बड़ा नहीं कहा गया, इसमें बहुत वाला, रबड़ बहुत उपयोगी पदार्थ है। हम यहाँ लिखेंगे ना रबड़ ऊंचा उपयोगी पदार्थ है तो वर्ड लाइन नहीं बनेगी ना। आगे सारी वस्तुएं पाकर रवि के आनंद का पार ना रहा, पार होता है ठीक है ना, सीमा, सीमा मतलब होता है कोई हद नहीं रहनी, किसी चीज की हद नहीं रही, बहुत ही खुश हो गया, ठीक है, दूसरी तरफ जाना था कोई मतलब ही नहीं है इस लाइन में, ठीक है। वह दौड़ता हुआ माँ के पास, क्या आएगा इसका, वह दौड़ता हुआ माँ के पास गया तो निकट, यहाँ कौन से पास की बात की गई है, निकट। पर रबड़ उस पेड़ के फल से नहीं मिलता, पर मतलब लेकिन या परंतु, ठीक है, पर होता है ऊपर नहीं बल्कि पर का मतलब परंतु, परंतु रबड़ उस पेड़ से के फल से नहीं मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिया शब्द को रेखांकित करें, इसका मतलब हमने अंडरलाइन करना है जो क्रिया शब्द है। पहला है फिर सब दूध इकट्ठा करते हैं, तो इसमें क्या आ गया, दूध इकट्ठा करना क्या है, क्रिया, तो इकट्ठा करते हैं, इसमें जो करना है वो क्या है, क्रिया है, ठीक है। आगे वैसे हमने अकेला अंडरलाइन ही करना है तो करते हैं इकट्ठा करते हैं वो करना। आगे पिताजी हंसते हुए कमरे में आए, तो इसमें कौन सा है, हंसते, हंसना क्या है, एक क्रिया है। गह पेड़ के तने में कई छेद किए जाते हैं, छेद करना क्रिया है, ठीक है। सारा दूध उबाला जाता है, तो उबलना क्या है, क्रिया। रबड़ से कई वस्तुएं बनती हैं, तो बनना क्या है, क्रिया, तो बनती को हम अंडरलाइन कर देंगे। नेक्स्ट है, आगे है नीचे दिए, नीचे लिखे सही शब्दों पर सही का चिन्ह लगाओ। मशीन, ये मशीन बन गया, ये गलत हो गया ना, ये मशीन और ये मशीन, तो हम इसमें सही कौन है, मशीन, ठीक है, मशीन नहीं बोलते हम, मशीन बोलते हैं। पिताजी, पिताजी और पिताजी, तो यहाँ पर आएगा पिताजी। दूध, 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 तो हम क्या लिखेंगे, दूध, दूध वाला ये थर्ड ऑप्शन सही है। बिजली, 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 ठीक है, तो आएगा फर्स्ट वाला आंसर बिजली, ठीक है। आगे है आपकी बारी, आप रबड़ से बनी किन किन वस्तुओं का उपयोग करते हैं, उनके नाम और उनके उपयोग लिखें, ठीक है। आप रबड़ की कौन कौन सी चीजों का यूज करते हो उसका आपने बताना है, कौन सी वस्तु है और उसका क्या उपयोग है। जैसे मान लो आपने लिखा रबड़ का जूता, तो वो क्या, किसके लिए यूज करते हो आप, पहनने में, पैरों में पहनने के लिए। गेंद, अगर दूसरा ऑप्शन गेंद है तो गेंद को क्या लिखोगे, खेलने के लिए, यहाँ आप उसका नाम लिख दोगे और यहाँ आप क्या करोगे, ऐसे लगाकर यहाँ आपने उसका नाम लिख देना है, ठीक है, और यहाँ आपने उसका उपयोग लिख देना है, क्लियर, ठीक है। ऐसे लिख सकते हो आप, जैसे नाम लिख दिया, नाम जूते पैरों में पहनने के लिए, जो लिख सकते हो बरसात के दिनों में पहनने के लिए, गेंद खेलने के लिए, और भी आप इससे, इसके अलावा आप रबड़ लिख सकते हो, जो आप कैसे लिखते हो, पेंसिल से लिखा मिटाने के लिए, ठीक है। आगे देखो, पढ़ो और समझो। पहला है इस पर पानी का असर नहीं होता, इस पर पानी का असर नहीं होता है, तो इसमें क्या चेंज करके क्या लिखते हैं, इस पर पानी का असर होता है, इसका मतलब ये नकारात्मक है, ये सकारात्मक है, ठीक है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है, ये नेगेटिव सेंटेंस है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, इसे हमने चेंज करके होता है में बदलना है, ठीक है। ये वस्तुएं पेड़ पर नहीं लगती, तो हम क्या लिखेंगे, ये वस्तुएं पेड़ पर लगती, ठीक है, या नहीं काट देंगे तो लगती हैं लिख देंगे। इससे बिजली के झटके नहीं लगते हैं, तो क्या लिखेंगे, ये वाला ऑप्शन काट देंगे, इससे बिजली के झटके लगते हैं। इसमें हवा नहीं निकलती है, तो इसको हाँ वाचक में बनाएंगे, हाँ में बनाना है, इससे हवा
निकलती है, ठीक है, नहीं काट देगी। तो यहाँ ऑप्शन में आपने लिख, ठीक है, आपने लिखना ये वस्तुएं पेड़ पर लगती हैं, इससे बिजली के झटके लगते हैं। यहाँ पर लिखा ना नहीं लगते, हमने लिखना लगते हैं। इससे हवा नहीं निकलती है, तो हमने क्या लिख दिया, इसमें से हवा निकलती है। आगे है रंग रंगीला, दिए गए चित्र में रंग भरो, आपने इस चित्र में रंग भरने हैं। और यहाँ जो आपका ये लेसन है उसके क्वेश्चन आंसर्स एंड बैक एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आप सभी ने इसे अपने कॉपी पे और बुक पे बहुत ही साफ हैंड राइटिंग से और धीरे धीरे काम कर करना है, ठीक है, कंप्लीट कर लेनी है और अपनी हैंड राइटिंग साफ रखनी है। थैंक यू।